हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष गोयल और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द HOD और वी कैन से इट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक और सब बच्चे इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि हाउ वी विल फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शंस, राइट। तो एवरी वन नो दैट इनिशियली वी हैव डन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, and when we differentiate this function, what we will get when we are going to differentiate the given function with respect to x, we will get dy over dx f dash x, right? So it is a derivative of first order, right? So इसको हमने एक बार differentiate किया तो ये dy dx बना हमारा f dash x. If we are going to differentiate the given function once again with respect to x, then how we will write it? We will write it dy dx of dy over dx LHS mein and dy dx of f dash x RHS mein. Then we will write it d2y over dx2 is equals to f double dash. तो ये कहलाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इफ वी वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट इट फर्दर देन हाउ वी विल राइट इट, सी अगर हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे वो देखें आप। तो मैंने यहाँ इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो अभी लिखा था मैंने डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स। अगर मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आई विल राइट इट डी वाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स। तो इट विल बिकम डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री इज इक्वल्स टू एफ थ्री टाइम्स डैश, और ये आपका जो डिफरेंशिएशन हो गया वो थर्ड ऑर्डर का हो गया। तो ये हमारा आज के वीडियो का कंटेंट है। तो इस तरीके से आपको HOD के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैं कुछ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक NCERT से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 38 पेज नंबर 182। तो देखें आपका पहला एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है आपका वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x और यू हैव टू फाइंड आउट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। तो मैंने यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट किया dy over dx, what I will get 3x square और 10x का डेरिवेटिव सभी बच्चों को पता है तो इट इज़ वॉट sec square x। नाउ आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट अगेन तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। तो बच्चों ये कितना हो गया 6x और यहाँ पे चेन रूल के अकॉर्डिंग मैं करूँगा इसको तो ये हो जाएगा मेरा 2 sec x। देन आई विल राइट इट sec x 10x इन लास्ट आई विल राइट इट 6x 2 sec square x इंटू 10x। तो ये एग्जाम्पल नंबर 38। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज ये एक नया ट्रायल है, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन अ ऐप जाइट बोर्ड। तो अगर आपको यहाँ अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कि हाउ यू आर फीलिंग इन दिस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और वो एग्जाम्पल नंबर आपका 39 है, दैट इज़ वाई इज इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और हमें यहाँ पर अब प्रूफ करना है क्वेश्चन में, तो क्या प्रूफ करना है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे हमारा
डी वाई ओवर डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो बच्चों ये हो जाएगा ए कॉस एक्स। जब मैं बी कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो सभी बच्चों को मालूम है कि बी का जो डेरिवेटिव है, सॉरी कॉस का जो डेरिवेटिव है वो साइन एक्स माइनस में है, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ बी साइन एक्स। नाउ आई विल डिफरेंशिएट इट अगेन, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, सभी को मालूम है इट विल बिकम माइनस ऑफ ए साइन एक्स एंड माइनस ऑफ बी कॉस एक्स। देखिए यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो इट विल बी बाट बच्चों ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, एंड यू आर सीइंग दिस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वॉट वाई, तो इट विल बिकम माइनस वाई। देयर फोर आई कैन राइट इट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस वाई, और ये माइनस वाई आपका यहाँ पे आके बन जाएगा प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और, तो मैं आपको ये सारे के सारे एग्जांपल्स क्लियर कर रहा हूँ, देखें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 40, दैट इज़ वाई इज इक्वल्स टू 3 × e की पावर 2x प्लस 2 × e की पावर 3x, और आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए आपको प्रूफ करना है। यहाँ मैंने इसको ब्लू पेन से लिखा, यू हैव टू प्रूव इट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस 5 times ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, और यहाँ मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और आप इसको मेरे साथ साथ करने की कोशिश करें जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा बच्चों 6 × e की पावर 2x, और सिमिलरली यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 6 × e की पावर 3x। तो देखिए पहली स्टेप सभी को क्लियर हो गई होगी। फिर मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, तो यहाँ कितना हो गया 12 × e की पावर 2x प्लस 18 × e की पावर 3x। तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन मेरे को मिल चुका है। अब मुझे करना क्या है कि जो मेरे पास प्रूविंग वाला रिजल्ट दे रखा है, तो मैंने यहाँ एल एच एस में ये वैल्यू अप्लाई करी। तो देखिए आप, मैं एल एच एस ले रहा हूँ क्वेश्चन में, तो एल एच एस में डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की मैंने वैल्यू पुट करी। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, मुझे डी वाई डी एक्स में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 × 6 कितना हो गया 30 है ये ई की पावर 2x माइनस 5 × 6 = 30 ई की पावर 3x, और यहाँ जब आप प्लस 6y की बात करेंगे तो मैं y में 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 6 × 3 कितना हो गया 18 ई की पावर 2x, यहाँ ऊपर देखें ध्यान से, और ये हो गया आपका 6 × 12 e की पावर 3x। तो यहाँ आप देखिए कि अगर मैं 12 e की पावर 2x, 18 e की पावर 2x और 30 e की पावर 2x, जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद मैंने ब्लू पेन से रिप्रेजेंट किया, ये आपका हो गया देखिए 12 e की पावर 3x, 18 e की पावर 3x एंड 30 e की पावर 3x, तो ये सारे टर्म कैंसिल हो गए और रिजल्ट कितना मिला आपको 0। तो ये एग्जांपल नंबर आपका 40 कंप्लीट। एक और एग्जांपल, और इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है वो मैं आपको समझाता हूँ अभी, इस पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो है वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू
इसके साथ एक सेकेंड, यहाँ पे बच्चों प्रूफ करना है आपको, प्रूफ 1 माइनस x स्क्वायर d2y/dx2 माइनस ऑफ x dy/dx इक्वल्स टू 0। देखें तो सभी को मालूम है कि जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। स्टार्टिंग में वी विल गेट dy/dx और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, ऑलवेज ट्राई टू एस्केप, ये रूल आपने ध्यान रखना है, एस्केप फ्रॉम डिवाइड रूल और यू कैन से क्वेश्चन रूल, राइट। अगर आप बच सकते हैं तो बचने की कोशिश करें। तो मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को मैं LHS में लेकर आ गया। अब आप यहाँ पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो इसको फर्स्ट माना, इसको सेकेंड माना, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो माइनस का 2x/2√(1 − x²) ये हुआ मेरा dy/dx प्लस अंडर रूट में 1 − x² और d2y/dx2 कॉन्स्टेंट का कितना हो गया 0। ये 2 से 2 कैंसिल। अभी सब बच्चों को पता है कि जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो व्हाट आई विल गेट, देखिए ध्यान से कि जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो आप ये माइनस का एक्स dy/dx और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 1 − x² d2y/dx2 इक्वल्स टू 0 और मेरे को यही प्रूफ करना था, राइट। तो सभी को ये स्टेप समझ में आ गई होगी और सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन ट्राई करें। आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू सॉल्व यू। तो आपके जो टेक्स्ट बुक है NCERT एक्सरसाइज 5.7, तो देर आर 17 क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज, तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। तो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो है आपका वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। और बच्चों आपको प्रूफ करना है जो दैट इज x² + 1 का होल स्क्वायर d2y/dx2 प्लस 2x² + 1 इंटू dy/dx इक्वल्स टू 2। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो सारे बच्चों को मालूम है कि जो हमारा dy/dx आएगा इट विल बी वॉट 2 tan inverse x। और सभी बच्चे जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो 1/(1 + x²), राइट। तो 1 + x² को हमने डिवाइड रूल से बचना है LHS में शिफ्ट किया। यहाँ तक सब बच्चे समझ रहे होंगे। अब मैं इस फंक्शन को फर्स्ट, इसको सेकंड मान के जब प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो बच्चों ये मेरा कितना होगा 2x dy/dx प्लस 1 + x² इंटू d2y/dx2 इज इक्वल टू 2 × 1/(1 + x²)। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब हमने करना क्या है कि हम RHS वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए इस टर्म का जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 1 + x² इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होके 1 + x² का होल स्क्वायर d2y/dx2 प्लस 2x 1 + x² इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 2 देगा और यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो राइट, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा मैंने क्या किया।
और जैसा कि मेरा टारगेट है कि आई बिलीव इन कॉन्सेप्ट नॉट इन सॉल्यूशन, तो होप सेम फ्रॉम योर साइड। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। और डिफरेंशिएशन में जो हमारे पास छोटा टॉपिक बचा हुआ है वो पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं और एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो आई एम गोइंग टू AOD मेक वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। सो प्लीज़ डू द क्वेश्चंस। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।